नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। रुख करते हैं लखनऊ का। लखनऊ से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और इस खबर में आपको भी चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने सरकारी योजनाओं का गैर जरूरी इस्तेमाल किया है और इसका अवैध इस्तेमाल किया है तो आप पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है। जी हाँ, ऐसी खबर सामने आ रही है कि लखनऊ के अंदर या आसपास के इलाकों में जितने लोगों ने राशन कार्ड का दुरुपयोग किया होगा लॉकडाउन के दौरान और इस योजना का गैर जरूरी लाभ लिया होगा, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप गरीब नहीं हैं और आपने इन योजनाओं का लाभ लिया है तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से पूरे राज्य में राशन कार्डों की जांच करवाएगी और अवैध पाए जाने पर इसका कीमत भी वसूला जाएगा और आप बेवजह इसमें फंस सकते हैं। किसी भी योजना का आप गलत इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि सरकार की योजनाएं उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है जिनको इस योजनाओं का फायदा मिल सके, लेकिन कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के चलते ऐसी योजनाओं का गलत फायदा उठाते हैं। लेकिन योगी सरकार का अब इस पर पूरे मामले पर कार्रवाई जारी है। अगर आपने इस तरीके का या किसी ने किया है तो उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। देखिए ये पूरा रिपोर्ट। कोरोना काल में राशन कार्ड बनाकर फ्री राशन का लाभ ले रहे हैं। कार, एसी, बड़ा मकान और दुकान, ट्रैक्टर ट्रॉली वाले बड़े लोगों की अब जांच होगी। राशन कार्ड के तय मानकों की कसौटी पर खरा नहीं उतरने पर राशन कार्ड को निरस्त किया जाएगा। वहीं अब तक के लिए गए राशन की वसूली भी की जाएगी। इसके लिए जाँच अभियान शुरू होने जा रहा है। वैश्विक महामारी कोविड-19 का मार्च में प्रकोप शुरू होते ही सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। ऐसे में हर गरीब और कमजोर वर्ग तक राशन पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार ने हर जरूरतमंद का राशन कार्ड जारी करने का निर्देश दिए। इसकी आड़ में तमाम सुविधा संपन्न लोगों ने ऑनलाइन आवेदन कर राशन कार्ड बनवाए। सूत्रों की माने तो उस दौरान केवल आधार कार्ड और स्वघोषित आय और अन्य जानकारियों पर ही राशन कार्ड जारी हो गए। अभियान के दौरान राशन कार्ड धारकों के मकान, दुकान, कार, एसी, ट्रैक्टर, खेत, सालाना आय समेत कई बिंदुओं पर जांच होगी। डीएसओ सुनील कुमार सिंह बताते हैं कि जिन कार्ड धारकों के पास चार पहिया वाहन, एसी या जनरेटर होगा वो अपात्र हो जाएंगे। अगर 100 वर्ग मीटर से अधिक का मकान या प्लॉट है, परिवार की आय 3 लाख सालाना से अधिक है या आयकर दाता है तो अपात्र माना जाएगा। अपात्र माने गए कार्ड धारकों से वसूली किया जाएगा, उनके राशन कार्ड को निरस्त कर दिया जाएगा। राशन की सूची से मृतक और कार्ड धारक के पते पर न रहने वाले भी बाहर किए जाएंगे। ओटीपी के जरिए राशन लेने वाले और 4 यूनिट या इससे अधिक वाले अंत्योदय कार्ड धारकों की जांच गहनता से कराई जाएगी। न्यूज रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।